दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SEO कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज ये संडे है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ये वीडियो घर से रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ संडे। सो हो सकता है आपको बच्चों की, कुत्तों की, शेर की आवाज़ें आती हैं, तो इग्नोर दोज वॉइसेस। शेर की नहीं आएगी, वो तो मैंने वैसे ही बोला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप जानते हैं कि जब आप SEO कर रहे हैं, SEO इज़ नॉट समथिंग जो आप अकेले किए जा रहे हैं एंड यू डोंट केयर अबाउट अदर्स। इफ़ यू आर डूइंग SEO, यू विल हैव टू चेक योर कॉम्पिटिटर्स। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके कॉम्पिटिटर कितना स्ट्रांग है, वो क्या कर रहे हैं, तो उनको बीट कैसे करेंगे। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल हियर। चलिए मानते हैं भी हम कि हमने एक अपना कीवर्ड लिया, लेट्स से कोई भी कीवर्ड, SEO टिप्स हमारा कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड पे आप देखेंगे कि जो साइट्स हैं, इनमें से काफ़ी साइट्स को आप पहचानते हैं, लाइक SEMrush आप जानते हैं, अच्छा टूल है, नील पटेल को तो सभी जानते हैं, गूगल सर्च इंजन जनरल, Ahrefs। तो ये जितने भी आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे रिजल्ट, ये बैकलिंको, ब्रांडिन, हबस्पॉट, ये सभी बड़ी साइट्स हैं। एंड अगर अब आपने भी ऐसा कीवर्ड ले लिया है या फिर आप इनको अपना कॉम्पिटिटर मान लेते हैं, बट यू डोंट नो देयर स्ट्रेंथ और वीकनेस, आप इनको बीट करने की जो स्ट्रेटजी है बनाएंगे कैसे। सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एंड आई एम श्योर अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन होता है, इन दैट केस यू कैन कॉमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं, आप योगा सिखाते हैं, आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, आप एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिसाइड हु इज़ योर कॉम्पिटिटर, क्योंकि हर इंसान आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, हर साइट आपकी कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर हम मानते हैं कि सपोज अगर हम ये बात करें, जिससे तो जो कार ड्राइविंग सिखा रहे हैं मुंबई में, अगर हमारा कीवर्ड ये है फॉर एग्जांपल, तो जो कार ड्राइविंग सिखा रहे हैं लस्से दिल्ली में या बेंगलोर में या पुणे में, वो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। आपके कॉम्पिटिटर वही हैं जो आपके उस सिटी में हैं जहाँ पे आप हो, एंड स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन ए वेरी बिग सिटी, तो उस सिटी में जो आपके रेडियस के 4-5-6 किलोमीटर की रेंज में हैं, वो आपके मेन कॉम्पिटिटर आप मान सकते हैं। सो अभी हम टूल के थ्रू भी ये चीज़ चेक कर लेंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि हु इज़ योर कॉम्पिटिटर एंड विच डोमेन्स आर कॉम्पीटिंग विथ ईच अदर, कि डोमेन कौन कौन से कॉम्पीट कर रहे हैं, वो चीज़ें हम अभी देखेंगे कुछ देर में। बट एक चीज़ आप ये भी समझ लें कि डोमेन लेवल कॉम्पिटिटर कौन है और पेज लेवल कॉम्पिटिटर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए फर्स्ट पेज पे अगर हमारा कीवर्ड ये होता फॉर एग्जांपल कार ड्राइविंग स्कूल इन मुंबई, तो फर्स्ट पेज पे आपको दिख रहा है जस्ट डायल, एक एक साइट दिख रही है, देन ये साइट, देन आप ये देख रहे हैं, देन सुलेखा, देन सुलेखा, देन इंडिया मार्ट, देन कार देखो, देन कार देखो फिर से। तो जो ये साइट्स आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि अगर आप एक कार ड्राइविंग स्कूल हैं, आपके अपने कॉम्पिटिटर चेक करने हैं, तो ये पेज भले ही रैंक कर रहे हैं बिकॉज जस्ट डायल एक बिजनेस लिस्टिंग साइट है जो कि बहुत पॉपुलर, आप जानते हैं इसके बारे में। सो अगर मान लो अब आप योगा सिखा रहे होते या फिर आपका कोई और बिजनेस है या जितने भी बिजनेस होते हैं, सब ने अपने बिजनेस को जस्ट डायल पे लिस्ट किया हुआ है, सेम गोज विथ सुलेखा ऑल्सो। सो ये आपके डोमेन लेवल कॉम्पिटिटर नहीं है। डोमेन लेवल कॉम्पिटिटर वो होते हैं जिनकी मैक्सिमम सर्विसेज आप ये कहें या जो उनके मैक्सिमम प्रोडक्ट हों वो एक दूसरे के सिमिलर हों या फिर उनके पास वो कैटेगरीज हों। जैसे मान लो आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, उस पे आप सिर्फ बुक्स बेच रहे हैं, और अभी आप मान लो अमेजोन रैंक में आता है, तो अमेजोन आपका कॉम्पिटिटर है उस पेज के लिए बिकॉज अमेजोन के पास फर्नीचर भी हैं, बुक्स भी हैं, किड्स टॉयज भी हैं, होम डिकोर के आइटम्स हैं, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे, क्लोथिंग है। बट जब हम बात करते हैं डोमेन लेवल कॉम्पिटिटर की, तो उनकी मैक्सिमम कैटेगरी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझो तो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, काफ़ी हद तक आप मान सकते हैं कि इनके पास वो कैटेगरीज हैं, उनके पास भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, करोड़ों प्रोडक्ट्स होंगे, उनके पास भी करोड़ों प्रोडक्ट होंगे, साथ में इनके जो कैटेगरीज हैं वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर ही होंगी। अब आपके सिर्फ एक चीज़, आप कोई आप मान लो किड्स टॉय बेच रहे हो या फिर किड्स एजुकेशनल टॉयज बेच रहे हैं अपनी साइट पर, तो ये फ्लिपकार्ट अमेजोन आपके पेज लेवल के कॉम्पिटिटर हैं, ना कि पूरा डोमेन, पूरा डोमेन कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके जो कॉमन कीवर्ड्स होंगे, जो डोमेन लेवल कॉम्पिटिटर होते हैं उनके जो कॉमन कीवर्ड्स हैं जिनके लिए वो कॉम्पीट कर रहे हैं, वो बड़े ज़्यादा होते हैं, उनके कई हज़ार कई लाख कीवर्ड्स होंगे जो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। आपका सिर्फ 10-5 कीवर्ड होंगे जो आपने मेन ले रखे हैं, 10-15 कीवर्ड वो सिर्फ उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वो आपके पेज लेवल कॉम्पिटिटर हैं। सो अगर हम ये एग्जाम्पल समझें,
सो इसमें जस्ट डायल हो गया एंड सुलेखा, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया मार्ट, ये सब आपके उस पर्टिकुलर पेज के लिए कॉम्पिटर हैं। इनका ये पेज आपसे कॉम्पीट कर रहा है बिकॉज इंडिया मार्ट पे तो आपको हज़ारों लाखों तरह की सर्विसेज या फिर उनके जो वेंडर्स हैं वो मिल जाएंगे। सो इनको आपको इस तरह से समझना है। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनको, अभी हम डिटेल में बहुत डिस्कस करने वाले हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। सो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब आपके ये कॉम्पिटर्स थे, आपने इनको सोच लिया कि ये मेरे कॉम्पिटर हैं, आपने इनका मेन डोमेन लिया और आपने चेक करना स्टार्ट कर दिया इनके बैकलिंक कौन से हैं, इनके बैकलिंक का जो रेफरेंट डोमेन्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो आपने वो सारे बैकलिंक देख लिए। बट हो सकता है अगर इसमें कोई योगा ट्रेनर हो, उसने अपनी सर्विस को लिस्ट कर रखा है, वो अपने उस पेज के लिए लिंकिंग कर रहा है, तो पर्टिकुलरली अब आप बहुत सारे इरेलीवेंट आप बैकलिंक बनाने की कोशिश में लग जाएंगे बिकॉज आप सोचेंगे कि इनके जहां से बैकलिंक आ रहे हैं मुझे सारे सोर्स चेक करने हैं, बट विच इज नॉट ट्रू। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जब आपके कॉम्पिटिटर बहुत सेम हैं, उनके बहुत सारे कॉमन कीवर्ड सेम हैं और आप लोग ऑलमोस्ट सेम सर्विसेज में डील करते हैं, तो आपके जो बैकलिंक सोर्सेज होंगे वो काफ़ी हद तक सेम हो सकते हैं। उनको जहाँ से बैकलिंक मिले हैं आप भी वहाँ से बैकलिंक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बट जब दूसरी साइड जो है वो आपका सिर्फ पेज लेवल पे कॉम्पिटिटर है, उसके पास 1 करोड़ प्रोडक्ट है, आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं और उनके प्रोडक्ट की कैटेगरीज बहुत सारी हैं, उनको अलग अलग जगह से लिंक मिल रहा होगा, अलग अलग प्रोडक्ट पे लिंक मिल रहा होगा, अलग अलग ब्लॉग से अलग अलग निशेस से लिंक मिल रहा होगा, बट अगर आपकी वो निश कैटेगरी नहीं है और आपने उन साइट से लिंक लेना स्टार्ट कर दिया, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ इररिलेवेंट बैकलिंक्स जो आपकी साइट को हेल्प नहीं करेंगे। इसीलिए आपको चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका डोमेन लेवल कॉम्पिटिटर कौन है और पेज लेवल कॉम्पिटिटर कौन है। सो इस केस में अगर मान लो कोई आप लोकल सर्विस दे रहे हैं तो आपके जो आसपास में हैं 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में जो हैं मैक्सिमम वो आपके कॉम्पिटिटर हैं। एंड नाउ फॉर एग्जांपल आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप भी SEO टिप्स या फिर SEO रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग की जो न्यूज़ अपडेट्स ट्रेंड्स आते रहते हैं उनके बारे में आपको ब्लॉग बनाना है, जैसे कि सर्च इंजन जनरल, सर्च इंजन लैंड, नील पटेल, बैकलिंक को, ये सब करते हैं, या फिर HRFs को ले लो, SEMrush को ले लो आप, उसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि सिमिलर कैटेगरी हमारी भी हो, हम भी इस तरह की साइट बनाएंगे जहाँ पे हम SEO और डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स बताएंगे बहुत अच्छे लेवल पे, सो उस केस में फॉर एग्जांपल इस पेज पर जो दिख रहे थे हमको, इस पेज पर जो भी आपको मेन कॉम्पिटिटर्स दिख रहे थे फॉर एग्जांपल, वो हमने कुछ यहाँ पर ले लिए। एंड इनमें से आप मैक्सिमम को जानते भी होंगे अगर आप चीज़ें पढ़ते रहते हैं तो। एंड फॉर एग्जांपल आपका जो डोमेन है वो बहुत नया है, आपको ये लग रहा है कि मैंने SEO टिप्स या फिर जो भी हैं SEO न्यूज़, इनके जो मेन कीवर्ड हैं या फिर SEO मैगजीन, इस तरह के कीवर्ड्स मैं टारगेट करूँगा, जल्दी से रैंक आएगी क्योंकि उन पर सर्चेस बहुत हैं, मैंने उनका सर्च वॉल्यूम देखा है, तो हज़ारों लाखों में मुझे विजिटर्स मिलेंगे। बट दैट्स अ गुड थिंग कि पोटेंशियल आपकी इंडस्ट्री में है, बट यू विल ऑल्सो हैव टू चेक कि आपके कॉम्पिटिटर कितने स्ट्रांग हैं। सो अब हमें क्या क्या चेक करनी है, हमने ये चीज़ यहाँ पर ले ली है कि सपोज़ ये हमारे 5 कॉम्पिटिटर्स हैं। सो अभी आप एक एक्सेल बनाइए, उस एक्सेल में आप लिखिए इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो नंबर्स उसमें लिखेंगे वो आपको नोट करने हैं। सो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं, सो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने शीट बना ली है। अभी आपको सिंपल कुछ पॉइंट्स जो आपको चेक करने हैं, जैसे कि DA क्या है, इंडेक्स पेजेस, ये सब चीज़ें अभी हम चेक करने वाले हैं कुछ देर में। और इधर आपने अपने कॉम्पिटिटर्स के नाम लिख दिए, उनका डोमेन नेम लिख दिया, नाम लिख दिया, जो भी हो, बिकॉज ये आपके समझने के लिए है। सो आपने कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर लिख दिए, ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर नोट कर लिए। नाउ वी विल चेक एवरीथिंग कि आप कैसी चीज़ें चेक कर सकते हैं, एंड इसमें जो चीज़ें इधर लिखी हैं वो सभी हम चेक करेंगे कि प्रॉपर आपको चेक करना हो तो व्हाट द प्रोसेस। सो DA चेक करना आपको होपफुली आता ही होगा, बट जो लोग बहुत नए हैं उनके लिए एक बार हम बता देते हैं। सो आपने गूगल पर टाइप किया डोमेन अथॉरिटी चेकर, ये जो साइट्स हैं इनको हमने ओपन कर लिया है अभी। सो अभी आपने देखा यहाँ पे आपको डोमेन अथॉरिटी के नंबर चल गए हैं पता। जिसको नहीं पता है डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, तो ये मोस्ट टूल है
उन्होंने एक मैट्रिक्स दी थी जिसके बेसिस पे आप ये चेक कर सकते हैं कि किसी डोमेन की पावर क्या है, वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो या डोमेन कितना पावरफुल है। तो वो नंबर जितना 100 के क्लोज रहेगा उसका मतलब उसकी जो अथॉरिटी है, उस डोमेन की जो वैल्यू है, पावर आप कह सकते हो, कितना स्ट्रांग डोमेन है, वो उतना ही ज़्यादा होगा। अगर किसी का 10 है आउट ऑफ 100 तो इसका मतलब उसका DA लो है। किसी का अगर 80 है, 90 है, अच्छा है, 80 90 तो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर किसी का 40 50 भी है तो अच्छा है। सो जितना ये 100 के क्लोज रहेगा उतना बेटर है आपके डोमेन के लिए। सो फॉर एग्जांपल अभी आपको डोमेन अथॉरिटी चल गई है पता, अगर हम SEM रश के यहाँ पर नोट कर लेते हैं, आपको सिर्फ नंबर्स लिखने होंगे। सो लिस्ट से 87 हो गया है, HRF 80। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे बिल्कुल टाइम ख़राब ना हो तो आपने ये जो बाकी हैं, बिकॉज हमें सबका फिर, क्योंकि ये जो हम चीज़ें चेक करेंगे ये भी अगर हम सब डोमेन के लिए चेक करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको चल गया पता है कि DA कैसे चेक करना होता है, बाकी आप नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमें देखना है कि इंडेक्स पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ इंडेक्स पेजेस। फॉर एग्जांपल अभी आपकी साइट बन रही है और आपके कॉम्पिटिटर हज़ारों पेज बना चुके हैं, पोस्ट कर चुके हैं, वो चेक करने के लिए SITE आप स्मॉल लेटर्स में लिखें SITE : और डोमेन का नाम आप यहाँ पर इंटर करें, मतलब डोमेन नेम आपने इंटर किया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल दिस नंबर, तो इसको कॉपी कर लें आप और इंडेक्स पेजेस में जाके आपने पेस्ट कर दिया। ₹3300 यहाँ पर दिखा रहा है। सो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये तो एक ब्लॉग की साइट है, ये एक आपका लिंक एनालिसिस टूल है, ये सिर्फ एग्जांपल है आपके जो भी बिकॉज ये तो आपके कॉम्पिटिटर है नहीं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर होंगे आपको सिर्फ ये चीज़ें यहाँ पर लिखनी है और ये चीज़ें चेक करनी है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आपके कॉम्पिटिटर कितने स्ट्रांग हैं, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे आप उनको बीट कर सकते हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एंड अभी यहाँ पे एक चीज़ मैंने, आप पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं फिर बैच एनालिसिस को इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अब नंबर ऑफ बैक लिंक्स, इसको चेक करने के लिए हमने HRF यहाँ पर ओपन कर रखा है, आप सिंपल इसको पेस्ट करें। HRF के साइट एक्सप्लोरर में जाके आप डोमेन पेस्ट करेंगे। अगर आपके पास HRF टूल नहीं है आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, फिर जो बहुत सारे फ्री बैकलिंक एनालिसिस के टूल हैं आप उनको यूज़ करके एक आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके नंबर ऑफ बैकलिंक्स हैं वो 56 मिलियन हैं, इसको आप लिख लें। रेफरिंग डोमेन कितने हैं 91,000, मतलब ये जो 56 मिलियन बैकलिंक्स आ रहे हैं वो 91,000 डोमेन से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक डोमेन था abc.com फॉर एग्जांपल, और उस abc.com से आपने एक डोमेन को 10 बैकलिंक दे रखे हैं, एक आपने होम पेज से दिया, एक आपने मान लो को अबाउट स्पेस से दिया, एक आपने सर्विसेज पेज से दिया, तो उस केस में रेफरिंग डोमेन तो एक ही है उस साइट के लिए, बट उसको बैकलिंक कितने मिल रहे हैं 10। तो इसी तरह से 91,000 डोमेन से इनको 56 मिलियन बैकलिंक्स मिले हैं, तो ये भी आप नोट कर लें 91,000। अब इसमें से डू फॉलो कितने हैं, नो फॉलो कितने, बिकॉज आप जानते हैं कि डू फॉलो बैकलिंक जो होंगे, यहाँ पे स्पेलिंग सी गलत हो गई थी, जो डू फॉलो बैकलिंक्स हैं वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रेफरिंग डोमेन्स में दिखा रहे हैं ये, यहाँ पर आप आए बैकलिंक्स में आएंगे आप, सो इनके जो डू फॉलो बैकलिंक्स हैं वो आपके ऑलमोस्ट 41% हैं और नो फॉलो यहाँ पे 55 दिखा रहे हैं। सो डू फॉलो 41, डू फॉलो 41 एंड दिस वन 55%। रेफरिंग IPs कितनी हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसको समझिए, जो लोग जानते हैं उनको चलो पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए एक बार हम बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया कि कोई डोमेन था सपोज़, उस डोमेन से आपने किसी को 10 बैकलिंक दिए, तो बहुत चलो ठीक है अपनी जगह पे कि एक डोमेन से 10 बैकलिंक आ गए, बट अगर आपका एक सर्वर है फॉर एग्ज़ाम्पल, उस पर वो शेयर्ड सर्वर है, उसमें आपने 10 साइट्स बना रखी हैं
और जिस साइट को आपने लिंक दिया है, मान लो उसको आपने 20 बैकलिंक्स दिए हैं, राइट, और वो जो 20 बैकलिंक्स आपने दिए हैं वो दिए हैं लेट्स से 3 डोमेन से, क्योंकि आपके पास 20 डोमेन थे सपोज, या फिर आपने 10 डोमेन बना रखे थे, जैसे PBN कई लोग बना लेते हैं, तो प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क, तो 10 साइट्स आपके उस सर्वर पर होस्ट थी, 3 डोमेन से आपने किसी साइट को 20 लिंक दिए। अब यहाँ पर उसके लिए जो रिफरिंग IP होगी वो तो एक है, डोमेन रेफरिंग डोमेन कितने हैं वो होंगे 3, नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितने होंगे वो होंगे आपके 20 बैकलिंक्स, राइट। सो इसी तरह से आप यहां पर देख सकते हैं 91,000 बैक डोमेन से लिंक तो आ रहा था, बट वो 91,000 जो डोमेन है वो 61,263 IPs पे होस्टेड थे, मतलब ऐसे कुछ साइट्स होंगे जिनके एक सर्वर पर मल्टीपल साइट्स होंगी, तो ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से मान लो आपका कोई कॉम्पिटिटर है फॉर एग्जांपल, अब उसमें आपको दिखा कि चलो उसके बैकलिंक तो हैं लेट्स से 1000 बैकलिंक्स, आप ही देख के डर गए कि यार 1000 बैकलिंक है, मेरा तो अभी एक भी बैकलिंक, मैंने तो साइट ही 2 महीने पहले बनाई है, तो मैं कैसे बीट करूँगा, मैं तो 50-100 बैकलिंक ही बना रहा हूँ पर मंथ। अब यहाँ पर ये सब आप जानते हो कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी नहीं, ये सब इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपने 1000 बैकलिंक देखे, ये देख के आप घबराइए मत, पहले आप ये देखिए कि रेफरिंग डोमेन कितने हैं। आपको चला पता रेफरिंग डोमेन तो चलो मान लो लेट्स से 20 थे, तो चला आपको एक आइडिया लग गया कि 20 डोमेन से तो चलो मैं भी बैकलिंक ले सकता हूँ। अब रेफरिंग IP की आप जब चेक करेंगे, हो सकता है रेफरिंग IP लेट्स से 3 ही हैं, 2 ही हैं, तो आपको ये चल गया पता कि हो सकता है उसने किसी PBN से लिंक लिया हो, उसके पास 25-30-50 डोमेन रहे होंगे, उसने 20 डोमेन से लिंक दे दिया या फिर कुछ डोमेन से लिंक दे दिया, उनको 1000 बैकलिंक अलग अलग पेजेस से आ गए, बट वहाँ पे इनको बैकलिंक जो आ रहे हैं वो मेन 2 ही IP से आ रहे हैं। सो हो सकता है कि किसी के कॉन्टैक्ट्स हों, बहुत सारे उसने डोमेन ले रखे थे, 3-4 लोगों से कॉन्टैक्ट किया, उनके काफ़ी डोमेन से काफ़ी पेजेस से लिंक ले लिया, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। आपको ये चल गया पता कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है वो चीज़, बिकॉज 1000 बैकलिंक हैं बट वो 2 ही IP से आ रहे हैं, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब आपने ये चीज़ चेक कर ली, अभी आपको रेफरिंग IP चल गई पता, रेफरिंग IP लिस्ट से अभी 61,000 आपने यहाँ पर लिख लिया। अब मोर में जाइए, यहाँ पर होगा लिंक इंटरसेक्ट, अब यहाँ पर आके आप ये चीज़ सिंपली ये देखें कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप यहाँ सिंपली आके इनका URL पेस्ट करें। सपोज आपके 5 ये कॉम्पिटिटर थे, आपने इन 5 कॉम्पिटिटर को यहाँ पे सिंपली लिख लिया। अगर आपकी साइट है, आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे ऑप्शन दिखाओ लिंकिंग के जहाँ से इन साइट्स को लिंक मिल रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो कि आपने ये ऑप्शन दे दिया कि जो आपकी साइट हो आपने यहाँ पर लिख दिया कि और इस साइट को लिंक ना मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको 10 साइट से लिंक मिल रहे हैं और आपको वहाँ से लिंक नहीं मिला है, तो वो ऑप्शन दिखाएं सिर्फ, जिससे कि मैं भी जाके वहाँ से बैकलिंक क्रिएट कर सकूँ। तो अभी मान लीजिए अपना डोमेन नहीं है, हमने सिंपल इसको करके शो लिंक अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक कर दिया। नाउ यू विल सी द रिजल्ट एंड आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि काफी चीजें आपको एक साथ में समझ में आ जाएंगी। इट मे टेक फ्यू सेकेंड्स, लेट्स वेट। मुझे नहीं पता है कि इसमें आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही होंगी वो कितनी ज़्यादा हैं, अगर बहुत ज़्यादा हैं आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं कोशिश तो ही कर रहा हूँ कि आवाज़ ज़्यादा आपके पास ना जाए, बट फिर भी देखिए। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि 5 टारगेट्स आपने एंटर किए हैं, जो 5 आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। देखो यहाँ पर जो डेटा आया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आप एक पेज पर इतनी साइट्स देख रहे हैं एंड यहाँ पर जो टोटल नंबर्स हैं वो 5000 प्लस है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो रिजल्ट है नंबर देखिए अब कितना ज़्यादा है वो। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पर आपके ये कॉम्पिटिटर्स हैं, एक यहाँ पर साइट लिखी जैसे medium.com, आप भी जानते हैं कि आप वहाँ पर अपने ब्लॉग सबमिट कर सकते हैं मीडियम पे। अब यहाँ पर दिखा रहा है इंटरसेक्ट 5, इसका मतलब कि 5 साइट्स को बैकलिंक मिले हैं medium.com से, राइट। अभी यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई दूसरी साइट जैसे फॉर एग्जाम्पल फीड बर्नर की बात करें, तो 5 को यहाँ से भी लिंक मिले हैं, आप इसी तरह से सब देख सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी होंगे, देखो यहाँ पे जैसे 4 दिखा रहा है कि अब कोई हमने 5 कॉम्पिटिटर लिए थे, 5 कॉम्पिटिटर्स में सिर्फ 4 को यहाँ से बैकलिंक मिला है,
इसको नहीं मिला है, एचआरएफ्स को यहाँ से बैकलिंक नहीं मिला है सोशल मीडिया टुडे से। तो अगर आपको लगता है कि यार ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, मैं कितनी साइट्स एनालाइज करूँगा, तो आप क्या करो, आपको जब ये प्लान करना है कि मुझे कैसे बैकलिंक बनाने हैं, इंटरसेक्ट पे क्लिक करो यहाँ पे ऑल इंटरसेक्ट पे, और सिर्फ ये कर दो कि मुझे वो बैकलिंक दिखाओ जिनमें एटलीस्ट इन मेरे जो 5 कॉम्पिटिटर मैंने इंटर किए हैं, इन 5 कॉम्पिटिटर्स में एटलीस्ट 4 को वहाँ से लिंक मिला होना चाहिए, तभी मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिखाओ। आपने क्लिक कर दिया अभी यहाँ पे अप्लाई, एंड नाउ यू विल सी ये जो नंबर्स यहाँ देखो आप 283 है, 283,000, ये काफ़ी कम हो जाएगा अभी। ये चीज़ अगर आप करेंगे ना, तो आपके कॉम्पिटिटर कितने भी स्ट्रांग हो, आपको एक आइडिया, जितने स्ट्रांग कॉम्पिटिटर्स उतना ही आपको काम करने में तब मज़ा आएगा, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप खुद देख सकते हैं वो चीज़, आपको कुछ गेस नहीं करना है। अभी वो 2 लाख समथिंग था, तो 2 लाख से 215 आ गया सिर्फ। अब अगर आप एक नई साइट हैं, आपको ये पता है कि इन साइट्स, इन सभी साइट्स को यहाँ से बैकलिंक मिला है, ये 5 इंटरसेक्ट दिखा रहे हैं ना, नीचे आओगे तो 4, तो मतलब इनमें देखो इन 4 को यहाँ से बैकलिंक मिला है, देखो यहाँ पे इसको नहीं मिला है। तो इस तरह से अगर आपको एक आइडिया मिल जाए कि मेरे पास 200 डोमेन हैं जहाँ से मेरे मैक्सिमम कॉम्पिटिटर्स को लिंक मिल रहे हैं, तो मैं इन्हीं 200 बैकलिंक से स्टार्ट करता हूँ। पहले ये देखेंगे कि इन पे मैं बैकलिंक बनाने की कोशिश करूँ जिनकी क्वालिटी अच्छी है। सो डोमेन रेटिंग आप देख सकते हैं कि डोमेन रेटिंग जैसे मोज दिखाता है डोमेन अथॉरिटी कि आउट ऑफ 100 डोमेन अथॉरिटी कितनी है, उसी तरह से ये एचआरएफ दिखाता है डोमेन रेटिंग कितनी है आउट ऑफ 100। तो दोनों टूल अलग अलग इनकी चीज़ें होंगी, वो अपने एल्गो में कुछ अलग चीज़ कंसिडर करते होंगे कि आपके बैकलिंक कहाँ से आ रहे हैं, बाकी जो मैट्रिक्स हैं वो क्या हैं। तो आपको सिर्फ इससे एक आइडिया लेना है आप, क्योंकि दोनों टूल काफ़ी तक सिमिलर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई 90 दिखा रहा है तो दूसरा उसको 0 दिखा रहा है, वो आसपास में ही रहेंगे। तो ये आपने देख लिया, तो आपने लिंक इंटरसेक्ट भी देख लिया। ये मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा था जिससे कि ये चीज़ हम मिस ना करें इस वीडियो में, बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग इसकी जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर लेनी है। फिर जैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपने ये रिपोर्ट डाउनलोड कर ली सर, और उसको फिर अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ करो। ये तो सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिखा था कि आप इसको चेक कर लें, तो हमने इसको चेक कर लिया है, डन। अब एक दूसरी चीज़ है बैच एनालिसिस, जैसे हमने इसको चेक किया रेफरिंग डोमेन क्या है, डू फॉलो नो फॉलो, अब एक एक को चेक करोगे काफ़ी टाइम लगेगा। इसी तरह से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था बैच एनालिसिस, ये है बैच एनालिसिस, मोर में गए आप, बैच एनालिसिस पे क्लिक किया, अब जो डोमेन आपके हैं कॉम्पिटिटर वाले उनको अब यहाँ पर पेस्ट करिए। तो जो चीज़ें आप वन बाई वन कर रहे थे, मैंने आपको वन बाई वन इसलिए बताया जिससे कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि आपको डीए चेक करना है या फिर आपको बैकिंग चेक करनी कैसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल बैच एनालिसिस में जाके भी एक बार में ही काफ़ी कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर सकते हैं। सो आपने कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे एंटर करके एनालाइज पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी द डेटा, यहाँ पे आपको ये सारा रेफरिंग डोमेन, डू फॉलो, ये सब चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पर दिख रही हैं कि रेफरिंग आईपीज कितनी हैं। सो इससे जो आपने वन बाई वन किया था, आप इसको बैच एनालिसिस के थ्रू भी कर सकते हैं, बट उसमें आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा और आप प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे। तो आपने ये भी कर लिया, इसको डन करिए, आपने आगे गए हम इसको कर लेते हैं सेंटर लाइन। एक चीज़ यहाँ पे है डेड बैकलिंग्स कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इनके कितने बैकलिंग डेड हो रहे हैं, एक एक फॉर एग्जांपल उन्होंने बहुत सारे बैकलिंग बनाए और उसमें से कुछ बैकलिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप ये चेक कर सकते हैं कि कैसे वो जो बैकलिंग डेड हो रहे हैं, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटर हैं, हो सकता है कि उनके जो बैकलिंग डेड हो गए हैं आपको बैकलिंक मिल जाए, कैसे आप ले सकते हैं, वो ब्रोकन बैकलिंक बिल्डिंग हमने बताया है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं। फिर उनके डेड बैकलिंक चेक करें, आप सिंपली साइट एक्सप्लोरर पे गए, एक डोमेन कॉपी कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाए। आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एचआरएफ सी लिया, यहाँ बैकलिंक है, यहाँ पर लॉस पे क्लिक करेंगे आपको चल जाएगा पता है इनके कितने बैकलिंक डिलीट हो रहे हैं, फिर कितने बैकलिंक इनके डेड हो गए हैं। तो अगर वो आप चेक करेंगे सोर्सेज, अगर आपको लगता है कि वो आपका जिसका कॉम्पिटिटर आप चेक कर रहे हैं वो बैकलिंक उसका डेड हुआ है, मुझे वो लिंक मिल सकता है, तो आप वो कोशिश कर सकते हैं। सारे लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है ब्रोकन बैकलिंक बिल्डिंग के लिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो देख लेना। फिर तो आपने ये चेक कर लिया डेड बैकलिंक, डन।
आप वो रिपोर्ट सेव, मैं डन लिख रहा हूँ इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको डन लिखना है, सिर्फ आप रिपोर्ट सेव करके अपने पास रख लीजिए जिससे आपको आपके पास सारा डेटा हो। अब एक चीज़ यहाँ पर, ये सब चीज़ें आपने चेक कर ली हैं, ये थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, बट इसको आप बाद में चेक कर सकते हैं। मैं आपको मतलब ब्लॉग पोस्ट फ्रीक्वेंसी कि वो आपका जो कॉम्पिटिटर है उनके आप ब्लॉग सेक्शन पर जाएँ, आप देखें कि वो उनका ब्लॉग सेक्शन है भी या नहीं। अगर है तो कितना फ्रीक्वेंट पोस्ट करते हैं, हर वीक एक ब्लॉग डाल रहे हैं, हर दो हफ्ते में एक ब्लॉग डाल रहे हैं या फिर महीने में एक ब्लॉग डाल रहे हैं, और उस ब्लॉग पे अगर कमेंट का ऑप्शन इनेबल है, देखो कमेंट आ रहे हैं कि नहीं, इंगेजमेंट है कि नहीं, और अदरवाइज जैसे आप एचआरएफ में जाकर उनका यूआरएल पेस्ट करेंगे आपको चल जाएगा पता कि वो ब्लॉग कहीं रैंक करता है भी है कि नहीं। सो अगर कॉम्पिटिटर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका है, इससे हम ले लेते हैं नील पटेल को इस केस में, और उनके टॉप पेज और टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे। सो हमने उनकी साइट यहाँ पर एनालाइज की फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पर आपको दिखेगा टॉप पेजेस, इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड दूसरा एक देख लेते हैं नीचे हम कौन से पेज पर ज़्यादा बैकलिंक आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं, बेस्ट बाय लिंक्स एंड टॉप कंटेंट कि कौन सा इनका जो कंटेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये चीज़ें आप बहुत इजीली देख सकते हैं। तो हमने इनको चेक किया, नाउ लेट्स सी। अब टॉप पेजेस में अगर आप जाके देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस पेज ये इतने कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है, ये पेज इतने कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है, ये पेज इतने कीवर्ड्स के लिए है रैंक में, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा इनका टॉप पेज कौन सा है, कौन सा पेज इनको वैल्यू ला के दे रहा है, मतलब जो इनको बिजनेस ला के दे रहा होगा। इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर को चेक कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला है ये सिर्फ 20 कीवर्ड पे 5 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये 4000 कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। वो कौन से कीवर्ड हैं वो चेक करना चाहेंगे आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन कौन से कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं। अब बेस्ट बाय लिंक, कौन से पेज पर ज़्यादा बैकलिंक आ रहे हैं वो चेक करना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस यूआरएल, इस यूआरएल पे रेफरिंग डोमेन 22881 डोमेन से लिंक आ रहे हैं इस पेज पर, और बाकी ऐसे पेजेस पे आप देख सकते हो, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि ये पेजेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी तरह से आपके जो कॉम्पिटिटर हैं आप उनके लिए चेक कर सकते हैं। अब टॉप कंटेंट, कौन सा कंटेंट अच्छा रैंक कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, शेयर हो रहा है, अब ये चीज़ें देखें आप, यहाँ पर आप यूआरएल यहाँ पर देख सकते हैं उस पोस्ट का, रेफरिंग डोमेन कितने हैं, ट्विटर पे क्या परफॉर्मेंस है, पिंटरेस्ट पे, एंड टोटल कितना है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये पब्लिश कब हुआ था वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका डोमेन बहुत नया है, आपके पास पांच कॉम्पिटिटर हैं, आप उनके टॉप परफॉर्मिंग पेजेस, टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट देखिए और अपना कंटेंट उस तरह से प्लान करिए कि ठीक है मैं भी लिंक्डइन मार्केटिंग टिप्स के ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा, और क्या उन्होंने लिखा है वो आपको पता है। अब उसके बाद जो हमने बताया है स्काईस्क्रैपर टेक्निक, ब्रोकन बैकलिंक बिल्डिंग, इन सब चीज़ों का, इन लिंक बिल्डिंग जो एक्टिविटीज़ इनका यूज़ करके आप बैकलिंक बनाने की कोशिश कर सकते हैं अपने उस नए डोमेन के लिए। आपको हर चीज़ चल रही है पता कि उन्होंने क्या किया, क्या रिजल्ट मिला, मुझे वो गलती नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल उन्होंने 50 ब्लॉग पोस्ट किए, उन 50 में से कौन से टॉप 10 है जिन पे अच्छा ट्रैफिक आया, उन्होंने कंटेंट किस तरह का लिखा था, उन्होंने कितनी मीडिया यूज़ की है, इमेजेस, वीडियो एम्बेड किए हैं कि नहीं, इन्फोग्राफिक्स लगाई है कि नहीं, हेडिंग क्या था, वर्ड काउंट क्या था, वो हर चीज़ आप चेक कर सकते हो, राइट। तो वो जो गलती वो उन्होंने 50 ब्लॉग पोस्ट करके सीखा है, आप वो 40 ब्लॉग जिन पे उनको कुछ वैल्यू मिली नहीं उनको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि जब मैं देख सकता हूँ कि इन ब्लॉग्स पे इनको वैल्यू मिली है, इनको अच्छा रिस्पांस मिला है, मैं इनसे अच्छा कंटेंट लिख के कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छा रिस्पांस लाऊँ, तो वो आपको हेल्प मिलती है प्रॉपर कॉम्पिटेंट एनालिसिस करने से। तो ये चीज़ आपने चेक कर ली, आप इसको लिख लिए चेक चेक चेक। सोशल प्रेजेंस देखने के लिए आप जानते हैं कि आप उनका फेसबुक ट्विटर प्रोफाइल देखें, आपने देखा कि पिंटरेस्ट पे उनको अच्छा रिस्पांस मिला था तो पिंटरेस्ट पे आप फोकस करें, इसी तरह से आप यूट्यूब पे भी ज़रूर फोकस करें। आपका कोई भी आप कंसल्टिंग दे रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उससे वीडियोज़ पब्लिश करें, तो उससे वहाँ भी आपको थोड़ी वैल्यू मिलेगी। आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट का, लोग आके उसको पढ़ेंगे तो आपके ब्लॉग, आपके कॉन्टेंट, आपकी साइट के बारे में जानेंगे वो, तो आप देखें कि वो कितना एक्टिव है सोशल मीडिया पे, उनके कितने फॉलोवर हैं, कितना फ्रीक्वेंट पोस्ट करते हैं, क्या इंगेजमेंट आ रहे हैं, उन सब चीज़ों से भी आपको एक आइडिया मिलेगा। उनके जो रिव्यूज़ मिले हैं उनको वो आप देख सकते हैं कि उनके फेसबुक पे जो रिव्यूज़ मिले हैं, जो गूगल पे रिव्यूज़ मिले हैं, या फिर उनको और कहीं अगर मान लीजिए रिव्यूज़ मिले हैं तो उन रिव्यूज़ में अच्छी बात क्या है, ख़राब बात क्या है। अगर कोई सपोज़ एक मूविंग कंपनी है वो बता रही है कि
लोग बोल रहे हैं कि सामान शिफ्ट करते समय इनका सामान टूट जाता है, ये हमारा सामान तोड़ देते हैं, तो आप कुछ चीज़ सीख सकते हैं कि चलो जो हम मूविंग करेंगे, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं काम, हम सामान को रैप अच्छे से करेंगे जिससे कि वो टूटे ना। तो आप उस चीज़ को हाईलाइट भी कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को ऐसे करते हैं कि सामान आपका टूटेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो जाएगा और लोग उसको पसंद करेंगे। बिकॉज आपकी इंडस्ट्री में वो पेन है कि आप किसी का सामान लेके जा रहे हो, तोड़ दिया आपने। तो जब इस चीज़ का ध्यान रखोगे, आप रिव्यू एनालिसिस करोगे कि लोग क्या बोल रहे हैं उनके बारे में अच्छा ख़राब, तो आप भी अपनी सर्विस में वो इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। आप ये भी देखें कि वो फेसबुक पे या फिर गूगल पे ऐड रन कर रहे हैं, अगर ऐड रन कर रहे हैं तो उनके ऐड किस तरह के हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखना चाहें, आप गूगल पे टाइप करें फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, अब यहाँ पे किस लोकेशन में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हमें देखना है तो हम सभी कर लेते हैं, ऑल विज्ञापन पॉलिटिकल है या फिर सभी, तो हम ये देख सकते हैं सभी। एंड आप अपने कंप्यूटर का यहाँ पे पेज का नाम डालें, अभी कोई ऐड नहीं चल रहा है इनका इसके अकॉर्डिंग, कोई और साइट लेते हैं। देखिए इनके 320 ऐड चल रहे हैं ना, तो आपने ये देखा कि मान लीजिए उनके ऐड किस तरह के हैं, क्या वो दिखा रहे हैं, आपको इसका एक आइडिया लग जाएगा। ये तो आपके हो गए फेसबुक ऐड के लिए। अगर आपको गूगल पे ऐड देखने हैं तो आप गूगल पे डायरेक्टली चेक कर लें एक बार, या फिर ऐड रिव्यू टूल यूज़ करते हैं वो कर लें। अदरवाइज़ यहाँ जैसे PPC 0 लिखा है ना, ये ऑर्गेनिक कीवर्ड लिखा है, मतलब वो तो SEO वाले हो गए। यहाँ PPC 0 लिखा है, मतलब इनका ऐड अभी नहीं चल रहा है। अगर ऐड चल रहा होगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर 10, 20, 25, 50 जो भी कीवर्ड्स के लिए वो ऐड चला रहे होंगे, तो आप गूगल वाला यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद डन। मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं उनकी साइट, क्योंकि देखिए आप एक बहुत इन केस उनकी साइट अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, उनके यूज़र को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती होगी उनका कंटेंट पढ़ने में, तो वो चेक करने के लिए मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, कोई भी साइट आप उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, इनकी कर लेते हैं, इनकी कर लेते हैं। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें ये भी दिखाएंगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी ऑडियंस को कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, कि जो उनकी सर्विस में इंटरेस्टेड हो आप उनको अपना ऐड दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी साइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, उनके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, और उसकी ऑडियंस को आप ऐड दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं शायद वो आपकी सर्विस को कंसिडर करें, बिकॉज उसकी सर्विस में, उनकी सर्विस में प्रॉब्लम है। और आप ये जानते हैं, आपने प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है, इसके बाद आप कोशिश करें कि अब जो लोग मेरी कॉम्पिटिटर की सर्विस में इंटरेस्टेड हैं उनको मैं अपना ऐड दिखाऊं, तो वो हम फ्यूचर की वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, इसी तरह से आप सबका चेक कर सकते हैं। डोमेन एज ये भी आप चेक कर सकते हैं कि डोमेन, फॉर एग्जांपल आपका डोमेन 2 दिन पुराना है, 2 महीने पुराना है, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं मान लो वो 10, 20, 25 साल पुराने उनके डोमेन हैं। ये चेक करने के लिए बहुत सारी साइट्स हैं, आप quiz.com पे भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है चेक। आपने साइट ओपन की, डोमेन एज ही आ गए हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करिए। ये रजिस्टर हुआ है देखिए 1997 में, लगभग 23-24 साल पुराना डोमेन है। तो अगर आपका डोमेन मान लीजिए 6 महीने 1 साल पुराना है, तो आप ये मत उम्मीद करें कि मैं तुरंत उनको बीट कर लूँगा, क्योंकि वो 24 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो तो सिर्फ एक आइडिया के लिए है, बट आप ये चीज़ प्रॉपर एनालिसिस करें कि कैसे आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे उनके लिए आप कैसे चीज़ चेक कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी साइट है, आपको एक अच्छा डेटा मिल रहा है, इसलिए हमने इन साइट्स को लिया जिससे कि आप समझ पाएँ। अगर हम कोई साइट ही लेते हैं जो बेसिक है, जिनके 10 बैकलिंक हैं, 50 बैकलिंक हैं, रेफरिंग डोमेन है ही नहीं, 2-4 दिख रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आती वो चीज़ें। तो आपने ये चेक कर लिया, यस कर लीजिए।
डोमेन एज मान लिया 24, अलर्ट्स। अब मान लीजिए आपने 5 कॉम्पिटिटर तो आपने एनालाइज कर लिया, उनके आपने डेटा चेक कर लिया और उनके बैकलिंक आपने चेक कर लिया जो उनके प्रीवियस बैकलिंक थे, बट वॉट अबाउट फ्यूचर बैकलिंक्स? मान लीजिए आप कितना चेक करते रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल अलर्ट एक सर्विस है, आप जानते होंगे शायद गूगल अलर्ट्स के बारे में। गूगल अलर्ट्स आप टाइप करें, लॉग इन करें, वहाँ जाके एक अलर्ट सेट कर लें अपने कंप्यूटर के नाम पे कि जब इनको कोई इनका कहीं मेंशन आए किसी साइट पे तो मुझे ईमेल आ जाए। अब फॉर एग्जांपल अगर उनको कहीं से बैकलिंक मिला, उन्होंने अपना एंकर टेक्स्ट यूज़ किया, नाम यूज़ किया, और वो चीज़ आपको मेल पे फिर आ जाएगी कि गूगल आपको फिर इन्फॉर्म, मतलब आपके पास मेल आएगी गूगल अलर्ट से कि ये मेंशन यहाँ पर हुआ है, तो आप वो साइट ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो मेरा कंप्यूटर है उसको यहाँ पे मेंशन मिला है या फिर उसको यहाँ से बैकलिंक मिला है, तो मतलब यहाँ से मैं भी बैकलिंक ले सकता हूँ। तो जो आपके 5 कंप्यूटर के काम कर रहे हैं, आप उनके लिए अलर्ट सेट करके उनके जो बैकलिंक मिल रहे हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अगर वहाँ पॉसिबल है तो आप भी लिंक क्रिएट करें। तो ये चीज़ें आप चेक करेंगे तो आपको SEO करने में भी मजा आएगा एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेटा, जो आप एनालाइज करके अपना जो एक्शन प्लान होगा वो प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि SEO सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं गेस करके ये चीज़ लोगों को शायद पसंद आएगी, क्यों गेस करना, जब आप जानते हो कि आपके 50 कॉम्पिटिटर हैं, आप उनकी साइट्स को देखें, उनके क्या टॉप परफॉर्मिंग पेज हैं, क्या टॉप पेज है, कहाँ से बैकलिंक आ रहा है, कहाँ से डू फॉलो बैकलिंक आ रहा है, उसका DA क्या था, वो हर चीज़ आप जब चेक कर सकते हैं तो गेस क्यों करना। गेस करेंगे आपने 50 ब्लॉग लिखे, कोई एक दो हिट हो जाएंगे, बाकी तो 48 आपका टाइम वेस्ट हुआ ना। तो बेटर है कि आप एनालाइज करके 10 लिखें, 10 में से अगर 5-6 भी हिट हो जाते हैं तो आपको उसकी एक अच्छी वैल्यू मिलेगी, वो जो आपने एफर्ट्स वहाँ पर लगाए वो जस्टिफाइड होंगे। दिस इज़ द प्रीटी मच दैट आई वांट टू डिस्कस, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे वीडियोज़ हम अक्सर कोशिश करते हैं कि आप अपडेट करें चैनल पर, जिससे कि आपको प्रॉपर वो चीज़ें समझ में आए, आप अच्छे से कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।